का भी व्यू मैंने सुना व्यू बहुत ही अच्छा है। हाँ। तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आयो ब्रूट जा रहे हैं, ब्रूट जा रहे हैं, ब्रूट जा रहे हैं। ग्लास में डाल दिया अभी। पकड़ो सर राघव जी। ये जहाँ पे मेन गेट है जहाँ से एंट्री होती है, और ये बहुत ही अच्छा जहाँ ये मिकी माउस जहाँ पे लोग ये देखो गाइस। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय थापा रिकॉर्ड्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर्सनल ब्लॉगिंग एंड एंटरटेनिंग कंटेंट वीडियो। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। गाइस जो हमारे चैनल में नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल थापा रिकॉर्ड्स। तो मैं हर्ष थापा आज अपना ब्लॉग लेके आ रहा हूँ। तो आज का हमारा ब्लॉग रहेगा, आज लास्ट नवरात्र है तो हमने कहीं माता के घूमने का प्लान बनाया है। तो हम जा रहे हैं काली माता के टेम्पल जो जसरोटा कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ जा रहा है, तो हम अपनी बाइक लेके जा रहे हैं। ये हमारे जहाँ का बहुत ही मशहूर पेट्रोल पंप है जो जम्मू कश्मीर का लगभग नंबर वन पे पेट्रोल पंप आता है। इसका नाम है बीपी गगवाल। तो बहुत ही शानदार है, जहाँ पे व्यू पॉइंट है तो रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा, और लोग बहुत दूर दूर से जहाँ पे स्टे करते हैं। तो बहुत ही अच्छा पेट्रोल पंप, और पेट्रोल तो एक नंबर है यहाँ पे। अगर आप भी जम्मू कश्मीर में आए तो जहाँ पे ज़रूर पेट्रोल डलवाइए। और ये रहा सामने का व्यू पेट्रोल पंप का, और यहाँ पे अंत तक हमारे चैनल में बने रहना, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको पूरा ब्लॉग दिखाएंगे, लास्ट तक हमारे साथ वीडियो में बने रहना। कुछ दिखाएंगे पूरा व्यू, पूरा अच्छा से मैं पूरा अच्छे से पूरा दिखाएंगे कैसा बन रहा है कैसा नहीं। तो आशा करता हूँ कि आप पूरा देखें हमारे वीडियो। इसका लोगो है बीपी गगवाल का, आई लव बीपी, आपको बैक साइड से भी दिखाते हैं। तो अभी हम गगवाल में पहुँच। आपको अब सब कुछ दिखाएंगे, डैम का भी व्यू मैंने सुना व्यू बहुत ही अच्छा है। हाँ। तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। और कह रहे हैं कि डैम क्या होता है क्या नहीं, वहाँ पे सोच रहे हैं कि मेला भी लगा हुआ है। मेला भी लगा हुआ है वहाँ पे, पुराने राजा महाराजाओं की किले भी हैं, वो भी दिखाएंगे आपको, सब कुछ दिखाएंगे। बस अब एंड तक बनिए रहे बस हमारे साथ। थैंक यू। काफी धूप है और काफी दूर है अभी तो। हाँ। तो बहुत ही कठिनाई से हम अभी जा रहे हैं इतनी धूप में आपके लिए। और आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर जरूर करना इस ब्लॉग को। ये ब्लॉग बहुत ही ऑसम होने वाला है और हमारे चैनल का नंबर वन ब्लॉग होगा। जी मैं और मेरा दोस्त राघव शर्मा अब आगे आपको वीडियो में और भी बहुत कुछ दिखाएंगे। हाय गाइस, अभी हम जहाँ पे नाका लगा हुआ है जहाँ पे पुलिस वालों का देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है रोड का व्यू। तो अभी हम जा रहे हैं बाइक पे, काफ़ी मज़ा एक्साइटमेंट से हम जा रहे हैं घूमने आज। तो वैसे हमारा दोनों का फास्ट है, हम खा तो नहीं पाएंगे कुछ, फिर भी अगर कुछ खाएंगे तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे, हम खाए बिना हम रह नहीं सकते। तो वहाँ पे जाके अभी आपको पूरा ब्लॉग वहाँ पे दिखाएंगे। ऐसे रास्ते में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है शूट करने में। रास्ते में हनुमान जी की बहुत ही अच्छी मूर्ति है और बहुत ही बड़ी मूर्ति है बहुत। तो जहाँ से हमने आगे जाके थोड़ा सा 100 मीटर आगे जाके हमने टर्न लेना है, तो हम थोड़ा कोई 3-4 किलोमीटर और जाना पड़ेगा तो हम पहुँच जाएंगे टेम्पल में और डैम के पास। तो वहाँ पे जाके आपको वीडियो और दिखाते हैं। गाइस अब हम पहुँचे, अभी हम टर्न लेंगे थोड़ा सा यहाँ से, और यहाँ पे यार ट्रैफिक ही बहुत है, फंस गए। चल कोई नहीं, जाने का गाड़ी देखिए यार, देखना भाई थोड़ा ध्यान से। गाइस अभी हमने राजबाग से टर्न लेकर तो ऊपर वाली साइड पे हम जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर का रास्ता है, 2-3 किलोमीटर होगा लगभग। तो वहाँ पे जाके अभी मंदिर में 1 किलोमीटर पीछे हम जा रहे हैं, पहुँचने वाले हैं गाइस बहुत ही जल्द। और आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लॉग देखने को मिलेगा हमारे साथ। मैं हर्ष थापा और मेरे साथ राघव शर्मा, RSF चैनल एट का यूट्यूब पे। आपने सभी ने सब्सक्राइब करना है।
अभी गाइज हम रेलवे फाटक है जहाँ पे रास्ते में, तो वहाँ पे पहुँच गए हैं और काफ़ी भीड़ है जहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि नवरात्रों में ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, अदरवाइज़ कम ही भीड़ होती है वहाँ पे, और मेला भी नवरात्रों में ही अच्छा लगता है वहाँ पे। तो हम वेट कर रहे हैं अभी ट्रेन आने का। तो गाइस देखिए यहाँ पे काफ़ी इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो लगता है कि हमारी गाड़ी निकलेगी अभी, तो अभी जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश क्या कर, निकला तो है, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी है, कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है। हाय गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं फाइनली जहाँ पे हमने पहुँचना था। बहुत ही भीड़ है जहाँ पे, देख सकते हो आप, ये गाड़ी लगी हुई है पीछे, बहुत बाइक है यहाँ पे, और आपको मंदिर दिखाते हैं यहाँ पे पीछे, वो पीछे मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है माता काली का, जय जय माता दी। तो अभी हम पहुँच गए, अभी जा रहे हैं हम ऊपर दर्शन करने के लिए जाएंगे अभी, तो आपको आगे पूरा शूट दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है जहाँ पे, अभी मेरा दोस्त पता नहीं कहाँ पे चला गया, वो गुम ना हो जाए कहीं, मैं अकेला ना रह जाऊँ। ये रास्ता है जे जहाँ पे पार्किंग है। तो हाय गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं गेट में, और जहाँ पे पहुँचना अभी आपको दिखाते हैं, जहाँ पे आगे ये जहाँ पे मेन गेट है जहाँ से एंट्री होती है, और ये देख लीजिए गाइस गाड़ी लगी हुई है, बहुत भीड़ है इस बार क्योंकि आज लास्ट नवरात्र है जय माता दी, तो नवरात्रों की वजह से जहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। गाइस अभी हम एंट्री कर चुके हैं जहाँ पे, ये देख सकते हो आप, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जहाँ पे, बहुत काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, और बहुत दूर दूर से जाते जहाँ पे आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। ये देखिए गाइस बहुत ही अच्छा, जहाँ पे जलेबी पकौड़ा लगा हुआ है, जहाँ पे बहुत अधिक भीड़ है। तो हेलो भाई, तो कैसा लग रहा है जहाँ पे आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, तो काफ़ी अच्छा, बहुत दिनों के बाद आया हूँ, तो काफ़ी अच्छा बन गया। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा है, और जहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट भी हुई है, जब मैं पहले आया था तो काफ़ी इतना नहीं था जहाँ पे ग्रो, तो अभी देखो ये दुकानें हैं सजी हुई पीछे, बहुत पकवान लगे हुए जहाँ पे, हमने तो फास्ट रखा है वैसे, बट देख के हम काफ़ी पेट हमारा फुल हो रहा है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सबसे पहले हम अपना हेलमेट जो है कहीं सबमिट करवाएंगे, कहीं रखेंगे, जमा करवाएंगे, उसके बाद देखते हैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू कैरी ऑन रखने के लिए। अभी हम चल रहे हैं, ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर की तरफ, ये हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जय माता दी। तो बहुत ही नज़ारा है यहाँ पे, जय माता दी। वैसे तो यहाँ पे इतना मतलब भीड़ नहीं होती है, बट नवरात्रों में बहुत अधिक भीड़ होती है। ये देखो गाइस, मेरा साथ मेरा दोस्त और हम दोनों ब्लॉग बना रहे हैं अभी, तो आइए अभी हम अपना सारा सामान जहाँ पे रखने वाले हैं, जहाँ पे शॉप में है यहाँ पे, और जहाँ पे प्रसाद लेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। चलो पहले ये हेलमेट रखते हैं, फिर हम प्रसाद लेके माता के दर्शन करने के लिए जाएंगे। भैया चलो फिर प्रसाद ले लेते, पहले प्रसाद तो भैया एक और कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, भैया बोले बीच में नहीं आना चाहिए। देखिए गाइस प्रसाद, नारियल बेंट है जी माता ग्रंथ की, और जहाँ पे बहुत यात्री देखिए कितने खुश होकर जा रहे हैं, जहाँ पे शॉप्स लगी हुई है। अभी हमने प्रसाद ले लिए हुआ है, तो अभी हम माता के दरबार में जा रहे हैं वहाँ पे बेंट के लिए। गेट है चेकिंग के लिए लगाया, बट जहाँ पे चल नहीं रहा होगा, जे आई नो कि ये चल नहीं रहा होगा। जय माता दी, सीढ़ियाँ चल रहे हैं अभी जी भाई, सीढ़ी चढ़ने में काफ़ी आनंद आ रहा है भाई। जय माता दी, जय माता दी। बहुत देर बाद मौका मिल रहा है भाई यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ने का, वहाँ से दूसरा सा बड़ी गाड़ी आने के लिए, एग्जाम चल रहे हैं तो टाइम मिलता नहीं है, बहुत माता रानी की मेहरबानी से हम जहाँ पे पहुँचे हैं, जब हम पहुँचने वाले हैं जी जहाँ पे गेट है, जहाँ पे एंट्री होगी, उसके बाद हम दर्शन करने जाएंगे आगे। फाइनली गाइस, अभी हम गाइस बहुत ही बड़ी लाइन है जहाँ पे, जहाँ पीछे देख सकते हो लाइन लगी हुई है जहाँ पे दर्शन के लिए, बहुत भीड़ है यहाँ पे इस बार,
क्योंकि आज वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं, बहुत भीड़ रहती है जहाँ पे, और आज तो लास्ट नवरात्रा है जिसकी वजह से जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अब हम अपने शूज़ उतार के बाहर दर्शन करने के लिए जाएंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। आई थिंक ये फ़ोन अंदर लेके नहीं जाने देते हैं, बट अगर फ़ोन लेके जाने दें तो आपको भी दर्शन करवाएंगे अंदर से। बाकी आपको और भी डैम का और भी बहुत व्यू है यहाँ पे, वो सारा देंगे। ये देख लीजिए गाइस, लाइन लगी हुई है यहाँ पे, बहुत बड़ी लाइन है भाई, चल रहा है पीछे पीछे लाइन। तो मैंने जहाँ पे कंफर्म किया है कि फ़ोन अंदर लेके जाने दे रहे हैं, तो अब आपको अंदर का भी वीडियो देखे। ये देख लो ग्राउंड में जहाँ पे मेला लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शॉप लगी हुई है, झूले लगे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, देख सकते हो आप। यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है, बहुत झूले लगे हुए हैं यहाँ पे। तो जहाँ पे आपको दिखाते हैं झूले, जैसे कि ये है, ठीक है गाइस, तो काफ़ी झूले हैं। ये देखो गाइस, किसको ये वाला झूला अच्छा लगता है, जहाँ पर किसी ने बचपन में लिया है वो कमेंट करके झूलता है, तो बहुत ही अच्छा जहाँ पे लग रहा है, जहाँ पे बहुत ही झूले लगे हुए हैं काफ़ी अच्छा। और जहाँ पे जो देखिए गोलगप्पे, पानी पूरी, ये जूस, इस वाली साइड पे ट्रेन लगी हुई है, देख जो आगे वाली साइड से दिखाता हूँ मैं आपको, ये इसका रूट है पूरा। ये ट्रेन चल रही है अभी सीधा, बहुत ही अच्छी लग रही है। देखो गाइस, चुप चुप चुप, ये मिकी माउस जहाँ पे लोग जंप कर रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं बच्चे। हमें जाने नहीं देते यार, हम तो एक्स्ट्रा पैसे भी देते बट हमें जाने नहीं देते। जाने दे तो फिर तो आनंद ही बहुत है, हमें नहीं जाने देते, हम तो बोले कि जितना भी है वो। गाइस अभी हम शूज़ को साइड में रख के जा रहे हैं, जो लेडीज़ वाली लाइन है काफ़ी लंबी है, क्योंकि लेडीज़ ज़्यादा आती हैं और जेंट्स थोड़े कम आते हैं, उस वजह से हम थोड़ा सीधा आगे चल जाएंगे, हमारी प्रमोशन हो जाएगी। तो पहली बार ऐसा है कि आदमियों को पहले भेजा जा रहा है। जय माता दी, यहाँ पे वैसे शूट करने नहीं रहे हैं। कंफर्म किया तो उन्होंने बोला कि अंदर फोन जाने दे रहे हैं, बट जहाँ पे यूज़ नहीं करने दे रहे इतना फोन, तो सो बहुत ही कम आपको जहाँ पे दिखने को मिलेगा। अंदर वाला शूट इतना ज़्यादा नहीं कर दिखा सकते हम, बट तब भी आप जितना हो सकेगा उतना दिखाएंगे आपको। ये थोड़ा टेंशन में पड़ गए हुए हमारे साथ यार, चोरी बोल रहे हैं, हम चोरी फोन यूज कर रहे हैं। गाइस अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं अंदर से, तो जहाँ पे आप जे है ओपन, काफ़ी भीड़ है जहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है, बहुत टाइम लग रहा है जे है जहाँ पे, बहुत भीड़ लाइन लगी हुई है। वैसे तो बहुत धूप है बट जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं जिसकी वजह से कम धूप लग रही है हमें और गर्मी भी नहीं लग रही। जैस जहाँ से एंट्री है यहाँ पे, और जो हॉल सा है वहाँ पे, हॉल से होते हुए जहाँ पे मंदिर है आगे, और जो जहाँ पे एक मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है ये भी। अभी हमने फास्ट रखा है तो हम कुछ खा नहीं सकते, इसलिए हम अभी गन्ने का जूस पियेंगे और आपको दिखाते हैं यहाँ ये बन रहा है गन्ने का जूस, ग्लास में डाल दिया अभी। पकड़ो सर राघव जी, ये है मेरा ग्लास आ गया है, ये अभी आ चुका है ग्लास, और राघव जी पूरा ख़त्म कर दिया हुआ, अभी मैंने पीना है गन्ने का जूस, नहीं पहली बार पीना, बहुत ही स्वादिष्ट है। एक और पियेंगे अब, क्योंकि हमारा एक से पेट भी बनेगा और बहुत टेस्ट है साथ में, बहुत ही टेस्ट है ये, बन गई। एक एक और ग्लास पी रहे हैं देखो, और मैंने दूसरा भी खत्म कर दिया, इतने दूसरा ख़त्म कर दिया यहाँ पर, बहुत मज़े मज़े से पीता हूँ, बहुत ठंडा है साथ में, बहुत टेस्टी है भाई, अब तक कैसे।
ऐसा कभी किया नहीं मैंने। आयो ब्रूट जा रहे हैं, ब्रूट जा रहे हैं, ब्रूट जा रहे हैं भाई। अपना अकाउंट तेरे को क्यों खोलना है? अरे खोलता मैं, लाइक कर मैं चार्ज लगाता हूँ। अरे खुलिया, तो वीडियो मिलो भैया। भाई जहाँ पे देख लो, मेला लगा हुआ है, शॉप लगी हुई है और बहुत ही अच्छा जहाँ पे मतलब दिख रहा हुआ है। जी हम अभी जा रहे हैं गाइस, अभी हम जाने वाले हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जिस रोटिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिस जगह पे हम आए हुए हैं, तो इस जगह का नाम है जसरोटा। और अभी हम जाने, ये देख लो गाइस कितनी दुकानें लगी हुई हैं टेंट लगा के यहाँ पे, और वो देखो बहुत दूर जाके झूले लगे हुए हैं बाहर वाली साइड। ये गाइस अभी हम जहाँ चौक में हैं, जहाँ पे हम दोनों, मैं और मेरा दोस्त राघव, तो जहाँ पे पीछे झूले लगे हुए हैं, जहाँ पे हमने अभी जाना है, जे पीछे वो वाला गेट है, तो इसका नेम आपको पिछले वाले कैमरे से दिखाते हैं। तब हम चल जाएंगे जहाँ पे किले भी हैं, सुना है मैंने, मैं पहली बार जा रहा हूँ। गाइस कंटिन्यू ब्लॉग आपको एक दो दिन में मिल जाएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।